शिवराज सिंह चौहान बोले, महेंद्रजीत सिंह मालविया के परिवारवाद को खत्म करके रहेंगे आज। देव उठनी 11 से कांग्रेस आज से सो जाएगी। राजस्थान के बागीदुरा विधानसभा की भाजपा प्रत्याशी कृष्णा कटारा के समर्थन में मध्य प्रदेश के भाजपा सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बागीदुरा में जनसभा को संबोधित करते हुए महेंद्रजीत सिंह मालविया कांग्रेस सरकार की जल संसाधन मंत्री को जबरदस्त आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने पाकिस्तान, चीन जैसे देशों को ठिकाने लगा दिया है, तो ये महेंद्रजीत सिंह मालविया किस खेत की मूली है। उन्होंने कहा कि कृष्णा कटारा बता रही थी कि कल उनके साथ मालविया के गुंडों ने प्रचार के दौरान रात को 12:30 बजे अभद्रता की है, उन्हें कतई माफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने वंशवाद पर कटाक्ष करते हुए कहा कि महेंद्रजीत सिंह मालविया के वंशवाद को खत्म करके रहेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भ्रष्टाचारी नंबर वन बताया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक करके लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का काम किया तो कांग्रेस सरकार ने किया है। महिलाओं के अत्याचार के नाम पर राजस्थान आज नंबर वन पर है। उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए जरूर। आज देव थाने ग्यारस भी है, आज से देव जगेंगे और कांग्रेस सो जाएगी। 3 दिसंबर कांग्रेस राजस्थान से बाहर और 3 दिसंबर बीजेपी की जीत बंपर। मैं आज क्यों आया, मुझे मेरी बहन का संदेश मिला, एक आगे पड़ोसी हो, एक बहन चुनाव लड़ रही है, लेकिन एक राक्षस यहां जुलूम ढा रहा है। मेरी बहन ने बुलाया और भाई चला आया और इस संकल्प के साथ आया हूं कृष्णा कि महेंद्रजीत मालवी के पाप की, अत्याचार की, अन्याय की और भ्रष्टाचार की लंका जला के राख कर दूंगा। ये बेईमान, तू सुन ले महेंद्र जी, एक बेटी का अपमान हुआ था, एक का द्रौपदी का, महाभारत हो गया था और वंश सहित विनाश हो गया था। कौन रहा था, एक रावण ने हिम्मत की थी सीता मैया के हरण की, तो रावण के वंश में भी कोई नाम लेवा और पानी देवा नहीं बचा था। जो कृष्णा ने बातें कही है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतने दिनों से इसका अन्याय चल रहा है, अत्याचार चल रहा है, ये भ्रष्टाचार कर रहा है। अरे ये गुरु गोविंद जी की भूमि है, अंग्रेजों ने अन्याय किया था तो आपको पता है, संत सम्मेलन में लड़ते हुए सारे अन्याय समाप्त करते हुए अंग्रेजों का राज भी समाप्त कर दिया गया था। कि मालवी का किस खेत की मूली है, आज संकल्प कर, लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी होती है। मैं तो हैरान हूं, वंशवाद, परिवारवाद, अरे वंशवाद भारत में नहीं बचा भाई। राहुल, प्रियंका, अब कई बच्चे सरकार में, वहां वंशवाद समाप्त हो गया। एक गरीब का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटे नरेंद्र मोदी आज भारत के प्रधानमंत्री है। वंशवाद का सफाया, मध्य प्रदेश में भी इनकी बड़ी दादागिरी चलती थी पहले, लेकिन 4 बार से तो मामा ही मुख्यमंत्री है और आज फिर कह रहा हूं 5वीं बार भाजपा की सरकार बना के हम ला रहे हैं। ये कांग्रेस रोक नहीं सकती है। जब वंशवाद वहां खत्म हो गया, यहां बता रही थी उनकी पत्नी क्या प्रधान, जिला प्रमुख, और बेटा उप प्रधान, भैया सरपंच, साला भी सरपंच, प्रधान साला भी, ये साला भी जबरदस्त लगता है मुझे।
साला, पत्नी, भाई, बेटा, तो बाकी बेटे क्या करेंगे? मैं पूछ लेता हूं, क्यों दूसरा कोई है ही नहीं। और इसलिए आज मेरे साथ संकल्प लो कि महेंद्र जीत के वंशवाद को समाप्त करके ही चैन की सांस लेंगे। अरे गरीब के बेटे बेटी भी है, कई उप प्रधान नहीं बनेंगे। परिवार में लोग ही बने, कब तक सहन करोगे मेरे बहन और भाई? लूट लगा रखी लूट, डिप्टी, बजरी, नेता, मंत्रालय में काम भी इसी के परिवार के लोग करते हैं, विभाग में, और खुल के पैसे खा रहा है। ये पैसे महेंद्र जीत की जेब के हैं क्या? मेरी बहन और भाई, में पैसा आपके हैं, आपके हैं, गरीबों की टैक्स के पैसे जाते हैं, उससे सिंचाई की योजनाएं बनती है, उससे बाकी काम होते हैं, और ये अपना घर भरने में लगा है। आज मैं आप सबको ये आग्रह करना चाहता हूं, और चिंता मत करना, पड़ोसियों जोर से आवाज दे दोगे तो अभी मामा आ जाएगा। देखो ये अपन बड़े शरीफ आदमी है सज्जनों के लिए, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है। मध्य प्रदेश में पूछ लो, अगर किसी ने गड़बड़ की तो मामा का बुलडोजर भी चलता है। ये गुंडे, बदमाश, दादागिरी करने वाले, और कृष्णा जी बता रही थी, एक बेटी का अपमान किया, बेटी का, इस अपमान का तो बदला लेंगे बहन और भाई, इस अपमान का तो बदला लेंगे। कृष्णा जी आगे बढ़ो, और भाई भी तुम्हारे साथ है, चिंता मत करना, हम मिलकर लड़ेंगे। अरे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद को हिंदुस्तान की धरती से समाप्त कर दिया। मोदी नरक थे कि आतंकवादी आते थे पाकिस्तान से, कांग्रेस के राज में, और गोली चला के चले जाते थे, बम फटते थे, लेकिन अब अगर उनने आंख उठाई तो पाकिस्तान में घुस घुस के मारा है, हमारी सेना ने घुस घुस कर मारा। जब पाकिस्तान सही हो गया, चीन सही हो गया, जम्मू कश्मीर की नितिन भाई बता रहे थे, कृष्णा जी बता रही थी कि पत्थर चढ़ना बंद, तो ये महेंद्र किस खेत की मूली है भाई? भ्रष्टाचारी नंबर एक,
अरे अपने राजस्थान को जिसकी माटी माथे से लगा के पूरा देश पूजा करता है उसको भ्रष्टाचार में नंबर एक बनाने का काम किया अशोक गहलोत और महेंद्र जीत ले गया। पेपर लीक, मेरे बेटा बेटी को तुम्हें गुस्सा नहीं आता? ये बेईमान आदमी पेपर लीक करके लाखों बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने का पाप कर रहा है। लाखों बच्चों के भविष्य को क्या कुछ होना चाहिए आपको? पीपल ने पेपर लीक में नंबर एक बना दिया, महिलाओं में अत्याचार पर आज राजस्थान नंबर एक हो गया। अरे मध्य प्रदेश की धरती पर हमने कानून बनाया, मासूम बिटिया की तरफ अगर कोई गलत नजर से देखेगा तो सीधा फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। क्या रोज बलात्कार होते, शर्म नहीं आती? कांग्रेस के एक मंत्री बेशर्मी से कहते मर्दों का प्रदेश है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें, मां बहनों और बेटों के प्रति भाव रखते। मेरी बहनों, मैं बहनों को देवी मानता हूं, मध्य प्रदेश के हर कार्यक्रम में पहले बेटियों के पैर धोता हूं क्योंकि तो बेटियां भी मेरे लिए देवी आए। दुर्गा सप्तशती में कहा है कि जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो सब देवी की मूर्तियां हैं, हम देवी की मूर्ति मान के पूजा करते हैं और लाली लक्ष्मी से लेके हमने लाली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश को बनाई कि बेटी पैदा होगी तो लखपति पैदा होगी मध्य प्रदेश की धरती पर। और अब लाडली बहना बना के तय कर दिया, हर महीने मेरी बहनों के खाते में अभी 1,250 रुपया जा रहे, 3,000 रुपया तक दूंगा क्योंकि बहनों को जरूरत है आर्थिक रूप से सशक्त हो गए। लेकिन यहां बहनों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, यहां बेटियों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है? अरे इतनी भ्रष्ट सरकार के योजना भवन में, मतलब जब मंत्री बैठते हैं वहां नोटों की गड्डी निकल रही है, सोना निकल रहा है। अरे बेईमानो कुछ तो शर्म करो, ऐसी ऐसी बेशर्म सरकार मैंने नहीं देखी। और वो पैसा कौन का है? वो पैसा आपके खून और पसीने की कमाई का है जो भ्रष्टाचार में अशोक गहलोत खा रहे और ये महेंद्र जी जैसे लोग खा रहे हैं। मेरे बहन और भाइयों, अति हो गई है अन्याय की, अति हो गई, ये झूठ है। लोग आज गारंटी देने आते हैं, राहुल गांधी प्रियंका गांधी ये दे देंगे वो दे देंगे। अरे बताओ इन्हें कर्जा माफी की घोषणा की थी कि नहीं यार? अरे कर्जा माफी की बात कही थी कि नहीं? कर्जा माफ किया क्या? मध्य प्रदेश में चले गए हमारे तो 10 दिन में कर्जा माफ, और गिनते तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 दिन में माफ नहीं, 11 बजे मुख्यमंत्री बदल देंगे। 1.5 साल में माफ नहीं किया उनने तो मुख्यमंत्री नहीं बदला, जनता ने बदल के मामा को फिर से मुख्यमंत्री बना दिया। ये वहां झूठ बोलने वाले यहां भी झूठ बोल के गए थे, इनने कर्जा माफ नहीं किया। मेरे बेटा बेटियों, इनने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, बोलो कहा था कि नहीं कहा था? किया दिया किसी को? देना नहीं दिया। ये झूठे लोग, ये बेईमान लोग अब 17 वादे करने आ रहे हैं। अरे गारंटी अगर किसी की है तो मोदी जी की गारंटी है, गारंटी को पूरा करने की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। मैंने कहा था लाडली बहना के खाते में पैसा डालूंगा, 1,32,00,000 बहनों के खाते में पैसा जा रहा है। हम लोग कहते हैं वो करते हैं और आगे के लिए भी हम कह रहे हैं। मेरे किसान भाइयों, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्हें तय किया कि हर साल किसान के खाते में 6,000 रुपया डालेंगे। मोदी जी ने किसान सम्मान निधि शुरू की, मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने कहा मोदी जी दिल्ली से दे रहे हैं, शिवराज तू भी कहा कंजूसी कर रहा, तू भी दे 6,000 PM क्या रहे, 6,000 CM क्या रहे, पहले 2 PM के फिर 2 CM के फिर 2 PM के फिर 2 CM के फिर 2 PM के फिर 2 CM के, हर 2 महीना में पैसा आ रहा है। और राजस्थान में हमारी सरकार बनी बहन कृष्णा जीती तो यहाँ भी 12,000 रुपया किसान के खाते में हर साल आए। मेरी बहनों, एक भी मकान कच्चा नहीं रहने देंगे, ये मध्य प्रदेश में भी हमारा संकल्प है, हमने तय किया है। प्रधानमंत्री किसान, प्रधानमंत्री आवास योजना मोदी जी ने बनाई, उसके अंतर्गत मकान आ रही है। गहलोत ने तो वो भी नहीं आने दिए, 9 लाख मकान वापस कर दिए। अरे गहलोत क्या जाता था तुम्हारा ये तो बता दो, अगर गरीबों के घर बन जाते
इन्हें गरीबों के घर नहीं बनने दिए, लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी हमने तय किया है प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं आ पाए उनके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना बनाएंगे। और मैं आज यहां कह के जा रहा हूं, कोई गरीब कच्ची झोपड़ी में नहीं रहेगा, हर एक को पक्का मकान बनाने के पैसे दिए जाएंगे। और मेरे बहन और भाई जो मुझे बताना, कांग्रेस ने गरीबों को फ्री में राशन कभी दिया था क्या? जोर से बोलो, दिया था क्या? आदिवासी भाई बहनों किसी को दिया था क्या? अरे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 5 साल तक और गरीब को प्रति व्यक्ति 5 किलो फ्री में राशन मिलता रहेगा, भूखे भजन ना हो, रोटी की व्यवस्था, मकान की व्यवस्था, दवाई की, इलाज की। ये चिरंजीवी कर रहा है, मोदी जी के पैसे चुरा लिए, ये तो ऐसा चोर है कि प्रधानमंत्री की योजना का नाम भी चुरा के बदल दे, आयुष्मान भारत की योजना का नाम बदल दिया। बारे जादूगर, लेकिन ये जादूगर लाल डायरी, लाल रंग से बहुत डरता है, लाल डायरी छोड़ेंगे नहीं इसको, लाल डायरी के राज बाहर आएंगे। और जिन लोगों ने बेईमानी की है वो जेल जाएंगे, जेल चिंता मत करना, ये महेंद्र जी बच्चे बच्चे वाले नहीं है, जितना इनमें जनता का पैसा खाया है हलक में हाथ डाल के बाहर निकालेंगे और जेलों में चक्की पीसते भरेंगे। क्योंकि हमारे पीएम ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इसलिए तो परेशान है ये सब। और इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे बेटे बेटियों, मध्य प्रदेश में हमारे बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं तो मामा हम लैपटॉप दिलवाता, लैपटॉप। यहाँ भी राजस्थान में मेरे आदिवासी बेटा बेटी भी, मेरे बाकी बेटा बेटी अच्छे नंबर लाएंगे या लैपटॉप दिए जाएंगे। आजकल मामा स्कूटी भी देता है मध्य प्रदेश में, 12वीं में नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 आए, यहाँ भी स्कूटी देंगे बेटियों को। चिंता मत करना, मेरी बेटियों पढ़ना, अच्छे नंबर लाओगी तो बेटियों को स्कूटी मिलेगी। और एक बात और, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM कहीं भी एडमिशन हुआ तो फीस बहुत ज्यादा होती है, गरीब के बेटा बेटी, किसान के बेटा बेटी, आदिवासी बेटा बेटी उतनी फीस नहीं भरवा सकते। तो मध्य प्रदेश में उनके फीस उनके मम्मी पापा थोड़ी भरवाते, मामा भरवाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। राजस्थान में भी हम ये करेंगे ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, और जिनने पेपर लीक किया है वो भी जेलों की हवा खाएंगे। चिंता मत करना, पूरी प्रमाणिकता से परीक्षाएं करवा के बच्चों को सरकारी नौकरियों में लगाने का काम करेंगे। और मेरी बहनों, आपकी तस्वीर और तकदीर बदलने का, देखो मध्य प्रदेश में लाड़ी लक्ष्मी से शुरू हुए, लाड़ी बहना प्यारे, अब अगला अभियान हमारा लखपति बहना, इसको मजाक मत मानना कोई भी। लखपति बहना मतलब साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा आमदनी, घर का काम कर काज करते हो बहन की हो जाए। हम क्यों गरीब रहे, हम क्यों आंसू बहाए, हम क्यों दर दर की ठोकर खाए? नहीं रहेंगे गरीब, गरीबी से ऊपर उठेंगे, हम भी लखपति बनेंगे। मध्य प्रदेश में लखपति बहना योजना मैंने बना दी है, और यहाँ भी राजस्थान में हमने कहा है लखपति बहना योजना बनाई जाएगी सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है, और इसलिए मैं निवेदन करने आया हूँ। आज आखिरी दिन है, समय नहीं है क्योंकि 2 सभाएं मेरी अभी और दूर है, 1 घंटे की फ्लाइट पे। मेरी बहनों और भाइयों, आपसे अपील है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रावण राज का अंत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ, एक ही परिवार के जितने सदस्य हैं वही सब पदों पर रहना चाहिए क्या? इनको हटाओ भाई, कब तक सहन करोगे? पाप का घड़ा पूरा भर गया है, अब तो नरसिंह अवतार हो जाए भाई, खंभा फाड़ के निकल पड़ो। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।